हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पुड़म क्लास पुड़म। आज हम लोग जीआई टैग के बारे में देखेंगे। जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो कि किसी हैंडीक्राफ्ट्स वस्तु को, प्रोडक्ट को, या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, या फिर फूड्स आइटम्स को मिलता है, और या किसी क्षेत्र विशेष में मौलिक रूप से और विशिष्ट ढंग से कोई विशेष चीज बनाई जाती है, कुछ उगाया जाता है, तो उसे जीआई टैग मिलता है। और यह WTO के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली और ट्रिम्स के तहत जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, उसके तहत दिया जाता है। अगर इंडिया में बात करें तो इसके लिए इंडिया ने एक एक्ट बनाया था, उस एक्ट के तहत इसे दिया जाता है। और यह 99 में यह एक्ट आया, और इसके बाद 2003 में जा कर के, ठीक है, 2003 में इसके तहत यह इसका एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ। और 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिला था। यह जो एक्ट है, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स, पहले क्लास में ले चुका हूँ इसलिए मैं लिखूंगा नहीं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स, जिसमें रजिस्ट्रेशन भी है एंड प्रोटेक्शंस, ज्योग्राफिकल एक्ट है 1999 का, यानी 1999 का एक्ट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स 1999, उसके तहत दिया जाता है। 2003 में इम्प्लीमेंट हुआ था और 2004 में पहली बार दार्जिलिंग टी को दिया गया था, ठीक है। दार्जिलिंग टी अपने नाम के लिए भी और लोगों के रूप में भी इसे जीआई टैग मिला हुआ है। चलिए, वह तो ओवरऑल बातें हो गई। कुछ इंडिया के बारे में हम लोग देख चुके हैं इससे पहले वाले क्लास में कि इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे जयपुर राजस्थान से ब्लू पॉटरी को है, तो गुजरात के कच्छ से गुजरात एम्ब्रॉयडरी है, तो फिर वहीं हिमाचल को अगर ले लें तो वहाँ पर कुल्लू साल है, तो तमिलनाडु में सलेम चादर हो गया, फैब्रिक्स हो गया, फिर सोलापुर का चादर काफ़ी फेमस है महाराष्ट्र से, फिर इसी ढंग से है आप वेस्ट बंगाल में अगर देखें तो नक्काशी कंथा है, इसे हैंडीक्राफ्ट्स के रूप में मिला हुआ है। बिहार को तो अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, तो इन सारी चीज़ों की चर्चा हो चुकी है। बिहार में कुछ फूड्स आइटम्स है, एग्रीकल्चर आइटम्स है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे। तो बिहार में इस बार लेटेस्ट में जर्दालू आम को मिला है, और यह जर्दालू आम भागलपुर और उसके एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट में यह आम इसका उत्पादन होता है। बहुत ही विशिष्ट प्रकार का, बहुत ही स्वादिष्ट यह होता है, पीले कलर का होता है। तो जर्दालू आम हो गया, डेप्थ में नहीं जाऊंगा। दूसरा है कि शाही लीची, तो शाही लीची काफ़ी फेमस है अपने स्वाद के लिए। लीची का उत्पादन तो बहुत सारे जगहों पर होता है इंडिया में, यूपी में भी, उत्तराखंड में भी, बिहार में भी, लेकिन बिहार में जो शाही लीची मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में पाया जाता है, वह काफ़ी इसका अपने स्वाद के लिए जाना जाता है, ठीक है, मुजफ्फरपुर और उसके एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट। अगला है, तेजी से हम लोग देखते हैं, मगही पान, तो इसे भी हाल फिलहाल मिला है मगही पान को जीआई टैग के रूप में रिकॉग्निशन। और यह क्या है, औरंगाबाद जैसे मगही क्षेत्र में गया हो गया, औरंगाबाद हो गया, नालंदा हो गया, नवादा हो गया, तो इन क्षेत्रों में मगही पान अपने विशिष्ट प्रकार की हरापन है, अपने स्वाद है, इसमें फैब्रिक्स कम होता है, मुंह में रखते ही यह बहुत अच्छे ढंग से घुल जाता है। तो मगही पान को भी काफ़ी महंगा भी होता है, ऑब्वियसली महंगा होगा ही जब स्वाद इतना अच्छा होगा। एक कतरनी राइस है जो कि काफ़ी फेमस है, और कतरनी बहुत ही नुकीला होता है, ये काटमी से बना है, काटमी का मतलब सुआ और टेकुआ होता है, तो इसका चावल भी कुछ ऐसा ही होता है, इसका चावल भी आप देखिए काफ़ी नुकीला होता है और काफ़ी स्वादिष्ट होता है। यह एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रूप में है। एक फूड आइटम्स के रूप में सिलाव का खाजा है, तो इसे भी जो कि नालंदा राजगीर आदि के क्षेत्रों में यह बनाया जाता है, सिलाव का खाजा काफ़ी स्वादिष्ट होता है, तो इसे भी सिलाव के खाजा को फूड आइटम्स के तहत इसे मिला है।
इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें हैं, ये तो एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट हो गया। अब कुछ चीज़ें हैं हैंडीक्राफ्ट्स में, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, जो कि बिहार से मिला है। बिहार से कुछ अन्य जो चीज़ फेमस है और इसकी जितनी भी चर्चा की जाए कम है। देखिए जो अभी बोर्ड पर आ रहा है वह है एप्लीक है, एप्लीक जिसे खटवा भी बोलते हैं, और यह हैंडी क्राफ्ट प्रोडक्ट के तहत कैटेगरी में आता है। यह एक प्रकार की कपड़े के ऊपर विशेष प्रकार की कढ़ाई है, एक काम होता है इस पर, और बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो यह बिहार के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में यह खटवा के रूप में प्रसिद्ध है, तो इसे तैयार किया जाता है। भागलपुर का सिल्क है, काफ़ी फेमस है और हैंडीक्राफ्ट के आइटम में, और यह भागलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में, मुख्य रूप से भागलपुर में यह जो सिल्क होता है काफ़ी फेमस है, काफ़ी यह अच्छा लगता है। भागलपुर सिल्क, इसकी काफ़ी डिमांड होती है, इंटरनेशनली डिमांड है इसकी काफ़ी ज़्यादा भागलपुर सिल्क का। एक दूसरा है सुजनी एम्ब्रॉयडरी, ये भी कढ़ाई है, कपड़े पर कढ़ाई होती है, और यह बिहार के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में, और लेकिन मुख्य रूप से इसका सेंटर जो है मुजफ्फरपुर और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में यह सुजनी कढ़ाई यानी एम्ब्रॉयडरी को जीआई टैग मिला है। एक इम्पॉर्टेंट है वह है सिक्की ग्रास, यह अभी हैंडीक्राफ्ट्स के कैटेगरी में इसे जीआई टैग मिला है, और इसमें सिक्की एक्चुअली एक घास का टाइप होता है, सिक्की एक मोटा घास होता है, काफ़ी मजबूत होता है, और उससे विभिन्न प्रकार की टोकरी, डलिया, रस्सी, घर सजाने का विभिन्न प्रकार का आइटम्स, चेहरा, मुखौटा आदि सारी चीज़ें बनाई जाती है, और काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है, काफ़ी अच्छी डिमांड है, होती है इसकी सिक्की ग्रास की, जिसे गोल्डन ग्रास भी कहते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंस है, उस इम्पोर्टेंस के आधार पर मधुबनी पेंटिंग की चर्चा कर रहा था, तो इस बहुत ही इम्पोर्टेंट है मधुबनी पेंटिंग, इंटरनेशनली रिकॉग्निशन इसकी वैसे भी मिल चुकी है, और यह क्या है, महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है मुख्य रूप से, और यह प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है इसमें सांकेतिक चीज़ों की और सांकेतिक ढंग से चीज़ों को बताया जाता है। इसमें इसकी जो विषय वस्तु होती है वह काफ़ी डेप्थ में होता है, और इसमें धर्म, दर्शन, अध्यात्म आदि सभी का एक सुंदर समन्वय दिखता है, ठीक है। तो मधुबनी पेंटिंग में चित्रों का चित्रण बहुत सुंदर तो नहीं होता है, लेकिन उसमें ज्यामितीय आकार है, उसका अपना जो एक विशिष्ट धार्मिक आध्यात्मिक महत्व है, और कारण यह है कि पूरी की पूरी जहां यह बनाई जाती है मधुबनी और उसके आसपास के क्षेत्र मिथिला के क्षेत्रों में, तो पूरी की पूरी मिथिलांचल क्षेत्र अपने धर्म अध्यात्म के लिए, दर्शन के लिए जाना जाता है, तो वही धर्म, दर्शन, अध्यात्म की पुट उस कला में भी दिखता है, उस पेंटिंग में दिखता है, और यही एक कारण है कि यह समय और देश काल से परे आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुका है, और अमेरिका के व्हाइट हाउस में ही, प्रेसिडेंट हाउस में भी ये मधुबनी पेंटिंग आपको दिख जाएगा, और इंडिया में और बिहार में तो कुछ कहना ही नहीं, जापान हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, हर एक देश में यह अपनी एक विशिष्ट पहचान, जो इसकी विषय वस्तु है उस रूप में यह अपनी पहचान और महत्व छोड़ चुका है। तो ये सारी चीजें हमारी बिहार से हुआ, बिहार की चीजों का जो कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, ये सारी चीजें आपको रिपब्लिका ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा, और विभिन्न एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है।